starting the batch. Bilkul fresh topic hai sir. आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं ना डिक्लेरेटिव से ऑपरेटिव तक और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की बता रहे हैं तो आज का भी नाम की बात इधर आएगा सब रिकॉर्डिंग नाउ नहीं इस टाइम पे इस वीक का नाम इज नेम ऑफ टैग लेकिन कोई भी चीज इसका नाम ले सकते हो सिंपली आप उसे क्या कहेंगे नाउन नाउन का मतलब पता ही क्या होता है नेम नाउन का मतलब होता है नेम किसी भी चीज का नाम जो भी आपको दिख जाए अगर उसका नाम है तो उसे आप सिंपली क्या कहेंगे नाउन कहेंगे से फॉर एग्जाम्पल बॉय गर्ल स्टूडेंट रवि इंडिया मॉडल वाटर मिल्क कुछ भी अगर ये नाम दिख जाए सिंपल क्या कहेंगे नाउन लेकिन नाउन पता करने के और बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं बहुत अच्छे तरीकों में से मैं एक तरीका आपको बता रहा ये कुछ सेंटेंसेस है इसमें कुछ नहीं करना है आपको बस नाउन पता करना है अब आराम से देखो और इसमें जो भी लगता है कि ना ये नाउन हो सकता है तो नाउन आपको बस
आप किस पे नाउन फाइंड कर रहे हैं? इसमें नाउन को देखो, उस आपको जो भी लग रहा है इसमें नाउन है उसे अंडरलाइन करो, ठीक है? तो सुनो तो ये के चांद पेपर टू के लिए अब तो मेन पेपर वन हो गया था इस बार भी अगर कंप्लीटली हो गया और प्रॉब्लमेटिक है और आपके साथ आते थे वो सर वो अनुभव है उसकी जॉब है ना सर जॉब से आते हैं आया बिल्कुल लेकिन का मतलब ये है चलो पहले नाम ठीक है आप एक बार दे जाओ मैं नाम को अंडरलाइन करता हूँ इसमें क्या क्या नाम है इसमें कैसे किया मुझे नहीं मालूम बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को लगा कि हाँ ये नाउन हो सकता है कुछ अभी बट यू नॉट हैव प्रॉपर मेजर्स कि ना कैसे नाउन को ट्राई करते हैं आप मेरे उसकी क्या नॉलेज है वो एनीथिंग दिस इज नॉट अ वेरी सफिशिएंट डेफिनेशन और ना तो वो डेफिनेशन सफिशिएंट है
जो अनाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग क्योंकि पर्सन प्लेस के बाद अगर ना तो ये पर्सन है ना तो प्लेस है ना तो थिंग बस ऐसे लगा तो हमने कर दिया मैं आपको एक तरीका बताता हूं क्या लिखा है Who means? Who means? Inquisitive. And what means? Kya. ये सारी question word. Yes. ये question पूछो मैं तो मुझे कुछ answer भी मिल सकता है. मान लो तुझे answer मिल गया. वो answer ही हमारा या तो noun हो गया तो अब noun pronoun कैसे differentiate करेंगे? तो noun अलग होता है कैसे? I, we, ऐसे कई सब क्या होते हैं? ये तो प्रोनाउंस होते हैं बाकी जो बच गया वो क्या बन जाएगा नाउन हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे हु ये नहीं कि मैं पूछता हूं और आपको कुछ भी आंसर ले रहा नहीं पहले आंसर मिलना चाहिए ताकि वो नाउन या प्रोनाउन होगा जैसे ये को क्वेश्चन में कैसे पूछता हूं हु हैज अ बुक सुमित हैज आंसर दिया सुमित हैज व्हाट नो हु लिव्स लव्स हिज पेरेंट्स सो सोनू लव्स होम किसे प्यार करता है Who invited all the teachers? Friend, my friend. किसने invite किया? Friend ने. Friend invited whom? Teachers. नाम बन गया. Who has two sisters? Ravi. Ravi has what? Two sisters. Ravi has sisters. This is what? Home. Who goes home? Sonu. Sonu goes what? Home. No, Sonu goes where? Where का answer? तो where का answer करने वाला नाम नहीं होता है. Where का answer करने वाला क्या होता है? Adverb होता है. तो यहाँ पर अगर मैं question पूछूँ कि where goes, तो क्या answer मिल रहा है? अब लिख के दे. Sonu goes where goes? क्या बना? पहले से हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो वर्ड है ये नाउन में होता है या फिर प्रोनाउन होता है चाहे वो वो डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस को कैसे रोल प्ले कर रहा है इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ये देता हूं कि मैं कौन तो मैं टीचर कैसे बना मेरे आपने मेरा नाम टीचर कैसे रखा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं उस बेसिस पर आपने मेरा नाम रख दिया टीचर अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज मैं यहां पर एक गाना गाने लगा तो मैं कौन बन जाऊं सिंगर मेरा नाम तो बदल गया मैं यहाँ डांस कर रहे हैं तो आपने मेरा नाम मेरा बार बार बदल रहे क्यों बदल रहे मेरे मेरे काम के बेसिस पे बदल रहे हो मेरे फंक्शन के बेसिस पे बदल रहे हो सेम यहाँ भी होता है इसका नाम हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि नाउन की जैसे रोल प्ले कर रहा है कैसे पता हमें क्योंकि ये तीन का आंसर कर रहा है यहाँ पर ये एडवर्ब की जैसे रोल प्ले कर रहा है सेम पर्सन में टीचर भी हूँ सिंगर भी हूँ डांसर भी हूँ प्लेयर भी हूँ बहुत सारी चीजें सिमिलरली यहाँ पर एक वर्ड कैसे रोल प्ले कर रहा है ऐसा पॉसिबल होता है कि इंग्लिश में एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच बन सकता है व्हाट इज एन आर्ट टीचिंग पूरा अंडरलाइन करने में चाहिए टीचिंग इज व्हाट आर्ट नाउ व्हाट गिव्स अ हैप्पीनेस क्या हैप्पीनेस देता है लाफ्टर गिव्स व्हाट हैप्पीनेस व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज व्हाट What causes anxiety? Tension causes what? Anxiety. What is the capital of India? Delhi. Delhi is the capital of what? India. Delhi is what of India? Kya hai India? Capital. This is what. Who live in Delhi? My parents live in what? Delhi. Lives where? मेरे कहाँ से बोलना है ना दिल्ली क्या बना ये एडवर्ब बना देखना यहाँ पे दिल्ली क्या है नाउन यहाँ क्या है सो दिस इज द डिफरेंस आपको पढ़ाया होगा क्या होगा बचपन में कि दिस इज अ स्कूल मैं आपसे पूछा कि स्कूल क्या है तो आपने फर्स्ट पूछ लेना होगा दिस इज व्हाट स्कूल दिस इज व्हाट स्कूल नाउ और अगर मैं ये कहूँ कि गोज टू स्कूल अब यहाँ पे पूछा जाए स्कूल क्या है? He goes where? क्या बन गया?
तो वही स्कूल यहाँ पर नाउन है, वही स्कूल यहाँ पर एडवर्ब है। तो नाउन के डेफिनेशंस ठीक है, लेकिन इसे हम ट्रिकी वे में कैसे पता करेंगे? हम तीन क्वेश्चन पूछेंगे, हु, हू एंड व्हाट का जो भी आंसर मिलेगा आपको या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन। आई होप इसे समझ आ गया। तो कि ऐसे कितना 35 40 पे है क्या लग स्विंग ऑफ हो गया सब ही और सब ऑफ है कुछ यहां ऐसे बचा गया ऐसे बचा इस सुन से क्या पैसे बच जाएंगे अगर उसका टेम्परेचर हाई रहता है या तो 16 दिखा रहा है हम क्या ठंडा नहीं होने आपने देखा है स्टेटस तो बहुत कम मिल रहा था बस ये अभी लगाया था दो तीन दिन पहले आपसे लगाया था स्टेटस में बहुत कम था हर वक्त पढ़े के क्या करेंगे थोड़ा थोड़ी बहुत लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए अरे होनी चाहिए सर आप पर्सन हो गया आप क्या पढ़ाते हो आप लोगों ने बताया आप लोग गया था आप पढ़ना शुरू कर दिया मेरा पीसीएस का चल रहा है ओके ये बोल दो वाले थे बस ये बोल दो वाले थे हां भाई पीसीएस का चल रहा है और पेपर दे रहा है दिसंबर एंड या फिर जनवरी के पास यार तुम क्या पीसीएस किया पीसीएस जिसे तो पढ़ाना कम कर रखा है चार ही दिन पढ़ा रहा हूँ तीन दिन करना छोड़ रखा है सर कोई साधन पढ़ते रहते हो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह 8 बजे 8:30 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ रात को 9:30 बजे निकलता हूँ मैं लाइब्रेरी तीन दिन का टाइम द फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन जाते हो तीन दिन जाता हूँ मैं जैसे कि फुल फ्लेज्ड वे में और छोटा भाई के साथ लेकिन उसमें जब आपको बेड दिख रहे हैं तो थोड़ा दिल कर लेता है कि यार थोड़ा रेस्ट कर लो और रेस्ट कर लो तो बस वो 10 मिनट का रेस्ट का 1.5 घंटे 2 घंटे में तब्दील हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा और थोड़ा सा एटमोस्फियर का भी होना बहुत जरूरी होता है ये तो काफी टाइम हो गया पढ़ाई किए पढ़ाई छोड़े भी काफी टाइम हो गया अगर आस पास का जो भी है अगर माहौल बढ़िया मिल गया तो फिर आप आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आप जैसे कि मेरा पेपर है मुझे टोटल 60 डेज का ही टाइम मिला है 60 या 70 डेज का टाइम मिला है और मेरा ऑलमोस्ट 60% सिलेबस रहता है 60-70% रहता है तो आपको सिर्फ 1200 घंटे का टाइम देना पड़ेगा एनी हो अगर आपका सिलेबस हो गया तो फिर आप मेरे टारगेट्स बने होते हैं कि मेरे इसलिए पेटना कर ही लेना चाहे वो टाइम कितना भी टाइम देते हुए पढ़ाई नहीं होती टारगेट सेट करने तक पढ़ाई होती है उसके बाद से वो घर में वापस आकर के पढ़ना नहीं जैसे मेरा ये है कि जैसे मैं 3 दिन पढ़ रहा हूँ तो 4 दिन मुझे पढ़ना नहीं है 4 दिन सिर्फ रिविजन करना है क्योंकि मैं नया पढ़ने से ज्यादा तवज्जो देता हूँ तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मैं आज की बात बता रहा हूँ ऐसे पर्सनल बातें नहीं बता रहा हूँ मतलब आज सुबह मुझे सपना आया
कि मैं करंट अफेयर्स याद कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि अच्छा इसके नीचे ये लिखा है इसके नीचे ये लिखा है इसके नीचे लेकिन जब ज्यादा पढ़ते हैं ना ये और ये सुबह 6 बजे का 6:30 बजे का सपना है मैं बड़बड़ा रहा था कि आप प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी ये खुद राम बोस को ये कैसे हो जाता है सब चीजों की रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बचपन की बातें हो गई अब हम थोड़े से बड़े हो गए तो अब डेफिनेशन हमारा चेंज हो जाएगा ठीक है यहाँ एडवर्ब तो वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ये बताता है बेसिकली नहीं देखो एक्चुअली क्या होता है कि एडवर्ब टोटल जो होते हैं 12 टाइप्स के होते हैं लेकिन इसे मैं 6 में करके पढ़ाऊंगा उसमें एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस उस एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही आंसर ये करता है वर्ब सर इधर वेयर का आंसर अगर जो भी मिलेगा तो वो एडवर्ब तो बनता है लेकिन उसमें कौन सा बनेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे आज हम कह दिए कि ट्यूजडे ट्यूजडे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो ट्यूजडे एक एडवर्ब होता है एडवर्ब में भी कौन सा होता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्योंकि जब आपको व्हेन का आंसर मिल जाए कोई जरूरी नहीं है जैसे भैया कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एडवर्ब क्या काम करता है एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है आपने इतना ही पढ़ा होगा लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है ये सीटेट है ना अभी इतना डेप्थ में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आगे जब आप सीटेट पास कर लोगे तब पढ़ाऊंगा एक एडवर्ब एक प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है चार गिने चुने एडवर्ब है जो कि नाउन को भी मॉडिफाई करते हैं और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं अब आप देखना एडवर्ब का कितना बड़ा रोल हो गया नाउन कर ही रहा है प्रोनाउन कर रहा है एडजेक्टिव कर रहा है वर्ब कर रहा है एडवर्ब कर रहा है प्रेपोजिशन कर रहा है एक कंजंक्शन को ही और इंटरजेक्शन को मॉडिफाई नहीं करता बाकी तो सबको मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है समझ आया नहीं यार और जहां तक प्लेस की बात है तो इसी कंडीशन में स्कूल एक प्लेस है तो नाउन होगा लेकिन इसी कंडीशन में प्लेस का नाम है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा एडवर्ब ऑफ ये नाउन कभी नहीं बनेगा क्योंकि हम स्कूल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर आएंगे तभी जाकर के हमें अभी ये सब चीजें समझ आएंगे ठीक है